नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सर्व विद्यार्थी मित्रों तमारी पोतानी YouTube चैनल में। आज आपने धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 19 महाकवि कालिदास तेनु संपूर्ण सॉल्यूशन आपने आ वीडियो में जोशू। अपने आ चैनल में धोरण 9 ना गाला स्वाध्याय पोथी ना बधाज पाठ ना सॉल्यूशन ना वीडियो नी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर मळी जशे। तो चलो अपने शुरू करिए धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 19 नु सॉल्यूशन। जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 9 ना हिंदी विषय ना गाला स्वाध्याय पोथी ना पाठ नंबर 19 नो वीडियो तमे तमारा मित्रों दोस्तों ने जरूर थी शेयर करजो। जोईए विभाग 1 गद्य आधारित। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1 उन दिनों खाली जगह में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। जवाब आवशे उज्जैयिनी। नंबर 2 महाकवि कालिदास शुरू से खाली जगह नहीं थे। तो जवाब आवशे विद्वान। नंबर 3 कालिदास के खाली जगह प्रमुख ग्रंथ है 7। त्यार पछी नंबर 4 विद्योत्तमा ने खाली जगह में उसे हराने वाले से विवाद करने की घोषणा की थी। जवाब आवशे शास्त्रार्थ। नंबर 5 विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया। पंचतत्व। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। नंबर 1 महाकवि कालिदास। तो जवाब आवशे महाकवि कालिदास बाण से पहले हुए थे। त्यार पछी नंबर 2 कालिदास विश्व विख्यात है। तो जवाब आवशे कि अपनी उपमाओं के लिए। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1 कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए। तो कालिदास का जन्मस्थल उज्जैन यानी कि उज्जैन माना जाता है। नंबर 2 महाकवि कालिदास किस राजा के दरबार में दरबार के रत्न थे। तो महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के दरबार के रत्न थे। नंबर 3 युवा कालिदास को मूर्ख क्यों माना जाता है। तो युवा कालिदास को मूर्ख माना जाता है क्योंकि वे वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। नंबर 4 मूर्ख युवक ने पंडितों की बात क्यों मान ली। तो मूर्ख युवक ने पंडितों की बात मान ली क्योंकि उन्होंने उसे सुंदर राजकुमारी से विवाह का लालच दिया था। नंबर 5 विद्योत्तमा किसकी पुत्री थी। उसको किस बात का घमंड था। विद्योत्तमा राजा शारदानंद की पुत्री थी। उसको अपने रूप गुण और ज्ञान का घमंड था। नंबर 6 पंडितों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। पंडितों ने एक मूर्ख युवक से उसका विवाह करवा कर विद्योत्तमा से बदला लिया। नंबर 7 विद्योत्तमा ने पंचतत्व का संकेत किस प्रकार किया। तो विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियां दिखाकर पंचतत्वों की ओर संकेत किया। नंबर 8 पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का क्या अर्थ बताया। तो पंडितों ने विद्योत्तमा की एक उंगली के इशारे का यह अर्थ बताया कि ईश्वर एक है। नंबर 9 मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को क्या समझा। तो जवाब आवशे कि मूर्ख युवक ने विद्योत्तमा की उंगली के इशारे को यह समझा कि वह उसकी एक आँख फोड़ना चाहती है। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1 कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है। तो तेनो जवाब यहाँ पेलो छे कि निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। उनके इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है। नंबर 2 पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय क्यों किया। तो विद्योत्तमा ने घोषणा की थी वह शास्त्रार्थ में उसे हराने वाले से ही विवाह करेगी। विद्वान और पंडित उससे शास्त्रार्थ करने में ग्लानि का अनुभव कर रहे थे इसीलिए उन्होंने विद्योत्तमा से बदला लेने का निश्चय किया। नंबर 3 विद्योत्तमा का परिचय दीजिए। तो जो तमने अहीं परिचय आपेलो छे तमे जोई शको छो। नंबर 4 महाकवि कालिदास की कृतियों के नाम दीजिए। तो महाकवि कालिदास की कृतियाँ ऋतु संहार
मालविकाग्निमित्र विक्रमवश्यम कुमार संभव मेघदूत रघुवंश और अभिज्ञान सांकुत्तलम। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, विक्रमादित्य कौन थे, उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई। तो तेनो जवाब अहीं तमने आपेलो छे, जे तमे अहीं जोई शको छो। त्यार पछी छे नंबर 2, पंडितों और विद्वानों ने विद्योत्तमा से किस प्रकार बदला लिया। त्यार पछी जोईए विभाग 2, व्याकरण आधारित। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। आवृत तो अनावृत, मंद तो तीव्र, पंडित तो मूर्ख, निर्माण तो विनाश, संस्कृत तो असंस्कृत, निरक्षर तो साक्षर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनुरोध तो आग्रह, निरक्षर अनपढ़, रोचक दिलचस्प, ग्लानी दुख, यकायक अचानक, उपासना पूजा, सिद्ध जल्दी, प्रवीण कुशल। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। नंबर 1, जिसमें सभी का हित समाया हुआ हो, सर्वहितकारी। नंबर 2, विद्वानों द्वारा की जाने वाली शास्त्रों की चर्चा, शास्त्रार्थ। नंबर 3, विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। नंबर 4, बच्चों का पारिवारिक रक्षक, अभिभावक। नंबर 5, साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। नंबर 1, प्रोत्साहन तो प्रवत्ता उत्साहन, संस्कृत तो समवत्ता स्कृत, सुदृढ़ तो सुवत्ता दृढ़, व्याधि तो विवत्ता आदि। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। नंबर 1, ऐतिहासिक तो इतिहास वत्ता 1, भौगोलिक तो भूगोल वत्ता 1, पंडित आयन तो पंडित वत्ता आयन, मालविका तो मालव वत्ता इका, विद्वान तो विद्व वत्ता वान, पद्मावत तो पद्म वत्ता वत। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से बहुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। नंबर 1, संस्कृत साहित्य में कालिदास की विद्वत्ता के अनेक प्रशंसक है, तो जवाब आवशे विद्वत्ता। नंबर 2, समाज में नारी को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था, तो सम्मान। नंबर 3, कालिदास ने बाद में अनेक विषयों में प्रावीण्य प्राप्त कर लिया, तो जवाब आवशे प्रावीण्य। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कृतुकवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। नंबर 1, कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, कवि। नंबर 2, राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, जानकार। नंबर 3, संस्कृत के महान साहित्यकारों में उनका नाम लिया जाता है, साहित्यकार। तो फरी मळीशुं आपणे धोरण 9 ना हिंदी विषयना गाला स्वाध्याय पोथीना पाठ नंबर 20 ना संपूर्ण सोल्यूशन साथे। आपणे आ चेनल ने लाइक अने शेर करवानुं भूलशो नहीं। आ गाला स्वाध्याय पोथीना बधा ज पाठना वीडियो व्हाट्सएप में प्राप्त करवा माटे आपणा व्हाट्सएप ग्रुप में जरूरथी जोड़ाई जजो, जेनी लिंक तमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नी अंदर मळी जशे।